नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। दरअसल आप सभी ने नर्तकियों को मनोरंजन कराते हुए देखा होगा। नर्तकियां मनोरंजन भी लोगों का कराती हैं, लेकिन इन दिनों जो नर्तकियां हैं सिवान की, वो काफी परेशान नजर आ रही हैं सिवान में। और परेशान क्यों नजर आ रही है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो सिवान में नर्तकियों ने जमकर मुफस्सिल थाने में हंगामा किया, उसके सामने में आके क्यों हंगामा किया है वो आपको बता दें कि दिल्ली के एक सोशल संस्था मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने थाने की मदद से आर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों के काम करने को लेकर सूचना मिली, और जिसके बाद पुलिस ने पूरा आर्केस्ट्रा में काम करे लड़कियों को हिरासत में लेकर थाने लेकर चली आई, और जिसके बाद आर्केस्ट्रा के संचालक द्वारा मुफस्सिल थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। मुफस्सिल थाना के सामने सड़क को जामकर अर्धनग्न प्रदर्शन और आगजनी की गई। आर्केस्ट्रा संचालक करिश्मा अपने हाथों में पेट्रोल लेकर अपने आप को जलाने की कोशिश भी की, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए, जो आर्केस्ट्रा संचालक है करिश्मा, वो हाथों में पेट्रोल लेकर और अपने शरीर पर वो कह रही है कि पेट्रोल छिड़क कर वो अपने आप को आग के हवाले कर देगी। तस्वीर भी आप देख सकते हैं और देखिए कि किस प्रकार ये सभी मुफस्सिल थाने के सामने जमकर हंगामा कर रही है। पेट्रोल लेके क्या करना चाहते हैं? अपने आप को जलाना चाहते हैं। हम लोग को डेली टॉर्चर करते हैं थाना जाकर। लेकिन आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि लगातार पुलिस काम करने नहीं देती है इन नर्तकियों को, हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है, तंग करती है, परेशान करती है। हालांकि पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के काफी सहयोग के बाद जाम को मुक्त कराया गया और किसी तरह से इस मामले को शांत कराया गया। फिलहाल सभी को हिरासत में रखा गया है और पुलिस उन सभी लड़कियों का एज जो है वो जांच करने में लगी, क्योंकि जो नर्तकियां हैं उसकी उम्र क्या है उसको लेकर पुलिस जांच करने में जुटी हुई। लेकिन साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए, जो नर्तकियां हैं लोगों का हमेशा मनोरंजन कराती हैं, लेकिन अब वो खुद परेशान नजर आ रही हैं और वो पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ना उन्हें काम करने सही से देती है और जब भी वो काम करते तो उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं पुलिस। ये आरोप है सिवान में जो नर्तकियां आई हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए, और उस बीच वो मनोरंजन वो नहीं करा पा रही हैं लोगों का और वो काफी परेशान नजर आ रही हैं और वो यही आरोप लगा रही है। तो उसके बाद जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, क्या कि जो नर्तकियां आई हैं उस नर्तकियों का एज क्या, यानी उसकी उम्र क्या है, उसको लेकर ये पूरे मामले में जुटी हुई है। बहरहाल इस खबर की और भी अपडेट आते रहेगी, वो अपडेट हम आप तक रखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर की अपडेट्स के लिए भी आप देखना चाहते हैं कशिश न्यूज, तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुँच सके। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।